स्टूडेंट्स आज हम अपने फिफ्थ चैप्टर को ही कंटिन्यू करते हैं जो फर्दर आपका टॉपिक आ रहा है वो है सिमटेनियस इक्वेशन कि वो इक्वेशन टू और मोर इक्वेशन विद टू और मोर वेरिएबल्स ओके टू और मोर वेरिएबल्स के साथ टू और मोर इक्वेशन होना आपको बताता है कि ये इक्वेशन की कौन सी कैटेगरी है ये सिमिटेनियस इक्वेशन आगे हम क्वेश्चंस करेंगे मैं उसमें आपको आइडेंटिफाई करवाती जाऊँगी कि कौन सी लीनियर है और कौन सी सिमिटेनियस है लीनियर इक्वेशन क्या होती है इफ देयर पॉइंट्स आर प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ इट मे बी सीन डैट ऑल सच पॉइंट्स विल बी ऑन वन एंड द सेम स्ट्रेट लाइन फॉर दिस रीजन इट इज़ कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन ओके अब वो कहते हैं कि आपके पास एक ग्राफ के फॉर्म में आपको प्लॉट करके बताया गया है और उसने जितने भी आपसे वैल्यूज निकालने को गई हैं वो सब एक स्ट्रेट लाइन गिवन है तो वो आपकी लीनियर इक्वेशन होगा और उसको इसलिए लीनियर का नाम दिया गया क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन डाटा आपसे पूछ रहे होते हैं सो so, अगर आप अपनी बुक का पेज नंबर फिफ्टी सिक्स देखें तो वहाँ पे इसका प्रैक्टिसट बी गिवन है फाइव बी जो कि रिलेटेड टू सिमटेनियस एंडियन इक्वेशन है फर्स्ट क्वेश्चन आज हम करते हैं वो है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव एंड टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वन ये सिमटेनियस इक्वेशन है क्योंकि दो या दो से ज्यादा आपको गिवन कंडीशन दी हुई है यहाँ पे दो दी हुई है अगर हम अब इसको सोल्व आउट करना शुरू करते हैं हमने इसमें से फाइंड करना है एक्स एंड वाई की वैल्यू सो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव एंड टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वन ओके ये टू नहीं है अगर हम इसको करें तो x प्लस वाई इज़ इक्ल टू फाइव हमने ऊपर लिखा टू एक्स माइनस वाई इज़ इक्वल टू वन हमने नीचे करके इसको सॉल्व आउट करने की कोशिश की तो ये माइनस प्लस से कट गया प्लस 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 सो so ये थ्री एक्स हो गया एंड फाइव प्लस वन इज सिक्स सो थ्री एक्स इज इक्वल टू सिक्स हो गया आगे हम देखते हैं तो एक्स एक साइड पर आ गया सिक्सटी फाइड प्लेस थ्री हो गया थ्री वन जो थ्री एंड थ्री टू जो सिक्स सो एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास टू अब हमें पता चल गया एक्स की वैल्यू टू है अब हमें इन दोनों में से किसी भी कंडीशन में उसको लगा के हम अपनी देख सकते हैं कि हमारा आंसर ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा और इसको फर्दर सॉल्व आउट करने के लिए अब हमें एक्स की वैल्यू पता चल गया अब हमने वाई फाइंड आउट करना है सो so, एक्स किसी भी इक्वेशन में लगाने मैंने फर्स्ट इक्वेशन में लगाया हुआ है टू प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव वाई इधर ही रह गया इधर टू प्लस में इधर जाकर माइनस में हो जाएगा सो वाई इज इक्वल टू थ्री हमें पता चल गया कि एक्स की वैल्यू है वो टू एंड वाई की वैल्यू थ्री है इसी तरह आपने बाकी सब क्वेश्चंस में भी करना है एक वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लेनी है चाहे वो हो हो चाहे हो। और उसके बाद आपने अदर वैल्यूज़ को उसकी किसी भी कैलकुलेट तो uh, कर लेंगे योर नेक्स्ट क्वेश्चन टू एट एंड एक्स प्लस फोर वाई टू नाइन मल्टीप्लाई बाय टू करते हैं हम इक्वेशन टू को तो ये टू एक्स प्लस एट वाई इज इक्वल टू एटीन हो जाएगा सो टू एक्स प्लस टू एक्स प्लस एट वाई इज इक्वल टू एटीन ओके प्लस में है इसको चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई करने के लिए माइनस में करेंगे बोथ साइड्स को तो ये प्लस माइनस कट जाएगा प्लस माइनस माइनस वो माइनस फाइव वाई बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन है एंड देन प्लस माइनस प्लस ये भी माइनस में चेंज होगा क्योंकि ऑल वैल्यूज आर इन प्लस सो प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो ये माइनस टेन हो जाएगा हमारे पास आंसर आया माइनस फाइव बाई इज इक्वल टू माइनस टेन यहाँ पे हमने वाई को एक साइड पर रखा और माइनस फाइव इधर मल्टीप्लाई था तो जाके डिवाइड हो गया सो माइनस फाइव डिवाइड बाई माइनस टेन इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू टू ही आएगा और ये कुछ गड़बड़ है यहाँ पे माइनस टेन वैल्यू ऊपर आएगी और माइनस फाइव नीचे अब हमने पता चल गया वाई की वैल्यू है एक्स फाइंड आउट करना है किसी भी एक वैल्यू में लगा ले तो मैंने सेकेंड वैल्यू में लगाया है तो एक्स प्लस फोर वाई की वैल्यू टू लगा के इज इक्वल टू नाइन फोर टू सा एट एक्स प्लस एट इज इक्वल टू नाइन सो एक्स इधर ही रह गया ये इधर प्लस एच जाकर माइनस हो जाएगा तो नाइन माइनस वन इज इक्वल टू वन सो हमें पता चल गया एक्स इज इक्वल टू वन एंड वाई इज इक्वल टू टू इसी तरह आपका स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर थ्री है इसमें आपने क्या किया है इक्वेशंस को मल्टीप्लाई किया है जो इक्वेशन वन है इसको मल्टीप्लाई बाय टू किया है जो इक्वेशन टू है उसको मल्टीप्लाई बाय थ्री किया है मींस अगर आप ये देखें तो ये क्रॉस चेक हो रहे हैं यहाँ पे गिवन थी तो हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया था इसको टू के साथ मल्टीप्लाई कर दिया था इसको वन के साथ कर दिया था अगर हम इधर भी देखें तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं नीचे वाली वैल्यू को थ्री के साथ करें ऊपर वाली वैल्यू को टू के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं कुछ ऐसा ही क्वेश्चन सॉल्व होगा इसी तरह आपके पास ये फर्दर क्वेश्चंस भी हैं जो कि ऐसे ही सोल्व हुए हुए हैं ये आपको एक सिर्फ गाइडलाइन के फॉर्म में प्रोवाइड किए जा रहे हैं या आपकी अपनी वर्किंग है आप ऐसे ही अगर इधर भी देखें तो फर्स्ट इक्वेशन को फाइव के साथ एंड सेकंड इक्वेशन को टू के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है यहाँ पर भी जो है वो फर्स्ट इक्वेशन को सेवन एंड नेक्स्ट इक्वेशन को थ्री के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है विच इज़ द वैल्यू ऑफ दीस आप इसको फोर के साथ और इसका फाइव के साथ भी मल्टीप्लाई करके कर सकते हो आपका चेकिंग पॉइंट ऑलमोस्ट सेम आएगा और वैल्यूज भी यही आएंगी आपकी देन पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन अच्छा अब यहाँ पे उन्होंने सॉल्व करने के लिए क्या होगा थ्री वैल्यूज एक्स वाई एंड जी सो so, पहले हम टू वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे देन हम तीसरी वैल्यू पे जाएंगे कि वो कैसे फाइंड आउट करनी है अगर हम यहाँ पे देखें तो सॉल्व बाय एक्स वाई एंड जी ओके थ्री वैल्यूज हैं मैंने इक्वेशन वन और टू पहले चूज की इक्वेशन वन को मल्टीप्लाई बाय एक किया थ्री के साथ इक्वेशन क्वेश्चन टू को मल्टीप्लाई बाय किया टू के साथ तो कुछ ही ये आंसर आया मेरे सामने इसी तरह जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया जो आपस में क्रॉस मैच होती है उन्हें क्रॉस कर दिया एंड आंसर फाइंड आउट कर लिया अब मेरे पास आ गया है एक ही आंसर देन मैंने क्या किया सेकेंड वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैंने इक्वेशन टू और थ्री को लिया अब इक्वेशन टू को दोबारा मल्टीप्लाई किया फोर के साथ है इक्वेशन थ्री को गया, किया बाई किया थ्री के साथ सो कुछ ये पोर्शन मेरे सामने आया दोबारा से मैंने उसको फिर ऐसे ही मल्टीप्लाई किया जो कट हो रहा है तो उसको कट कर दिया बाकी को सॉल्व आउट कर लिया अब मेरे पास दो इक्वेशन बन गई एक वो जो पिछले पेज पे थी थर्टीन बाई प्लस टू जी इज़ इक्वल टू फोर्टी सेवन जिसको मैंने क्रॉस आउट करके किया थर्टीन बाई प्लस टू एक्स की वैल्यू फोर एंड इज इक्वल टू फोर्टी सेवन एंड बाई की वैल्यू निकाल ली थ्री एंड नेक्स्ट मुझे ये क्वेश्चन यहाँ से गिवन हुआ अब मैंने इक्वेशन वन जो वहाँ निकाली थी उस इक्वेशन वन जो क्वेश्चन में गिवन थी हमें विच इज़ टू एक्स प्लस थ्री बाई प्लस फोर जी इज इक्वल टू ट्वेंटी नाइन वो इक्वेशन यहाँ लिखी और अब मुझे पता चल गया है कि जो y की वैल्यू है वो थ्री है सो so, मैंने इसको और जो z की वैल्यू है वो फोर है तो मैंने इसको फाइंड आउट कर लिया टू एक्स प्लस थ्री थ्री मल्टीप्लाई थ्री इज इक्वल टू नाइन एंड फोर मल्टीप्लाई बाई फोर इज इक्वल टू सिक्सटीन इसको मैं क्रॉस चेक करूँगी तो ये आपस आप में सिक्सटीन प्लस नाइन हो जाएगा ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव आ जाएगा टू एक्स प्लस ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू ट्वेंटी नाइन अगर हम इसको दोबारा करेंगे तो ट्वेंटी नाइन ये प्लस में इधर आगे माइनस में हो जाएगा ये हो जाएगा ट्वेंटी नाइन माइनस ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू फोर फोर डिवाइड बाई टू इज इू एक्स इज इक्वल टू 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 आ गया अब हमने क्या करना है अब हमने फर्दर इस वैल्यूज़ को दोबारा सॉल्व आउट करना है ताकि हम जी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकें सो so, अब मेरे पास दो वैल्यूज आ गई हैं एक्स की भी और y की भी अब मैं क्या करती हूँ अब मैंने जो इक्वेशन फ़ोर खुद एज्यूम करके निकाली है ये वाली दो इक्वेशंस ओके okay, इसको फोर वन को मैं मल्टीप्लाई करूँगी ट्वेंटी थ्री के साथ ठीक है इसको मल्टीप्लाई करूंगी ट्वेंटी थ्री के साथ और तो इसको मल्टीप्लाई करूंगी थर्टीन के साथ आप देख रहे हो कि तीन इक्वेशन यहाँ पे गिवन है तो पहले फर्स्ट टू को सिलेक्ट किया था मैंने देखें पहले फर्स्ट टू को सिलेक्ट करके मैंने एक वैल्यू निकाली ठीक है देन ये वैल्यू टू फिर मैंने सेकेंड और थर्ड को लेके एक और वैल्यू निकाली अब ये जो दो वैल्यू आ गई अब इन दोनों वैल्यूज ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं अब ये मेरे पास इक्वेशन फोर हो गई हैं तो मैंने इसको भी कॉस मल्टीप्लाई करके ये आंसर निकाला है जो आपस आप में कट हो रहा था उसको कट कर दिया जो प्लस माइनस हो रहा था उसको प्लस माइनस करके जी इज इक्वल टू तो फोर निकाल लिया सो so अब मेरे पास तीन आंसर आ चुके हैं एक्स इज इक्वल टू टू वाई इज इक्वल टू थ्री एंड जी इज इक्वल टू फोर अब आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन भी आना चाहिए कि मैंने यहाँ पे इक्वेशन वन में ऑलरेडी फोर की वैल्यू पुट कर दी थी देन मैंने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट की यस यही किया है मैंने मैंने पहले जो सोल्यूशन पोर्शन था उसमें से मैंने पहले ये वाला पोर्शन सॉल्व कर लिया था उसके बाद फिर मैंने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट किया है ठीक है सो आप भी ये वाला पोर्शन ऊपर करेंगे यहाँ पे इक्वेशन इस जगह पे और ये वाला सारा इक्वेशन इस जगह पे आएगा ताकि आपको पता चल जाएगा आपने ये कैसे किया थैंक यू क्लास